सभी साथियों क्रांति का इस्लाम, मैं मजदूर कासगढ़ से नवदीप कौर हूं और आज 30 तारीख को फरीदाबाद के पास जो खोरी गांव है वहां पर किसानों की तरफ से जो पंचायत की जाने वाली थी जिसमें चढ़ोनी जी शामिल होने वाले थे, वहां पर भगत सिंह छात्रता मंच जो दिल्ली में काम कर रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी में और साथ ही में जो मजदूर अधिकार संगठन है जो कुंडली में काम कर रहा है वो वहां पर मौजूद थे और अभी अभी जो पुलिस के द्वारा वहां पर बेरहमी से लाठीचार्ज किया गया है जिसमें जो रविंदर है जो भगत सिंह छात्र एकता मंच के प्रेसिडेंट है जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं और उनको बहुत बेरहमी से मारा गया है और उनके पूरे कपड़े फाड़ दिए गए हैं, उनकी पगड़ी उतार दी गई है और उनको पुलिस पकड़ के ले गई है। और साथ ही में जो राजवीर हैं जो मेरी बड़ी बहन भी हैं और भगत सिंह छात्र एकता मंच में भी काम कर रही हैं उनको भी पुलिस ने पकड़ लिया है और इतना बेरहमी से पीटा गया है, लाठीचार्ज वहाँ पर किया गया है और अभी उनको अरेस्ट कर लिया गया है। तो जितने भी न्याय पसंद मीडियाकर्मी हैं या जितने भी न्याय पसंद लोग हैं हम आप सभी से अपील करते हैं कि उन दोनों की रिहाई की मांग की जाए जानी चाहिए और खोरी गांव के साथ खड़े होने की ज़रूरत है। तो जितना जल्दी हो सके उनकी रिहाई की मांग करनी चाहिए क्योंकि पुलिस ने उनको बहुत बेरहमी से पीटा है और पहले भी हम लोग देख रहे हैं कि लगातार से मामले ऐसे ही दबाए जाते हैं और इस बार भी इस मामले को ऐसे ही दबाए जाने की कोशिश की जाएगी। तो आप सभी से हम यही अपील करते हैं कि उनकी रिहाई की मांग की जाए और खोरी गांव के साथ खड़ा होने की ज़रूरत है। जय जनता, जय संघर्ष, जीत लड़ने वाले लोगों की होगी। साडे यूट्यूब चैनल नूं सबसक्राइब करो।